देखो आज मैं आपको कढ़ाई की रेसिपी बता रही हूँ। हाफ कप ऑयल, आधा किलो चिकन, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 7 से 12 अदद कड़ी पत्ते, ये मैंने सुखा के सेव करे हुए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकती हैं। 2 चमचे जो है पिसा हुआ अदरक लहसुन, 5 अदद टमाटर, ये बड़े थे इसलिए मैंने 5 अदद लिए हैं, छोटे हों तो 7 टमाटर लिएगा, 1.5 चमचा कढ़ाई मसाला, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्चें, 1 चमचा हल्दी, ये मैंने कढ़ाई मसाला खुद बनाया है घर में, 1 चमचा जो है नमक, 1 चमचा कुटी मिर्चें, 1 चमचा पिसा हुआ धनिया और ये होममेड मसाला, एक प्याली जो है दही लिया है मैंने। अच्छा, इसको मैं ऑयल मैंने हल्का गर्म कर लिया था, अब इसमें मैंने मसाला ऐड करा है, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, कलौंजी और गरम मसाला, इनको हल्का सा ब्राउन करना है। कलौंजी मैं हर मसाले में ऐड करती हूँ, आपको मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी थी कढ़ाई कलौंजी के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए मैं ऐड करती हूँ इसमें। यह मैंने इसको भून लिया, अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से भूनना है, और जो है इसमें मैं अब टमाटर जो मैंने आपको 5 अदद टमाटर दिखाए थे वो इसमें मैं 1 के 2 हिस्से कर लूँगी टमाटर के, और इसको मैं टमाटर को इसमें देखे मैंने उल्टे करके रखने टमाटर को, इसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, हल्की आंच पे रखने हैं इसको। ये देखिए अब मैं इसको ढक के रखूँगी 5 मिनट, इसके दम पे जो है ये टमाटर के छिलके जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैं उतार के दिखा रही हूँ टमाटर के छिलके, इसको कांटे से या छुरी से जो है इसको चमचों को उतारना है। ये देखिए ये टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो गए 5 मिनट में, इसको आप जो है 5 मिनट में नहीं हो, थोड़े कभी कभी कोई टमाटर सख्त भी डाल देती हैं तो वो फिर आप चेक करिएगा, अगर नहीं हो तो फिर दोबारा इसको बनने को रखिएगा ताकि ये छिलके सॉफ्ट हो जाए और छिलके उतर जाए। और छिलके ये मैं अब इसको कूट रही हूँ चिकन साइड में करके, इसको अच्छी तरीके से टमाटरों को, ये सॉफ्ट हो गए, अब मैं इनको टमाटरों को बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी इनको चमची से कूट के, और जो है ये जब पेस्ट बन जाएगा इसमें मसाले मैं ऐड करूँगी जो मैंने आपको मसाले बताए हैं। ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ, कड़ी पत्ते का कलर चेंज हो गया, ये देखिए मसाले का कलर कैसा हो रहा है, अभी सिर्फ मैंने इसमें टमाटर आपके सामने ही ऐड करे हैं, और जो मैंने कड़ी पत्ता, ज़ीरा ये चीज़ें आपको बताई थी शुरू में वो मैंने जो ऐड करी थी वो है। और ये होममेड मसाले की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, दाल की रेसिपी से पहले मैंने आपको जो है होममेड मिक्स मसाले की रेसिपी आपको बताई थी, ये मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, अब इसको इसी में ही मैं जो है भूनूंगी अच्छी तरीके से, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनना है टमाटर के पानी में ही, ये इसमें बोटियों में इस मसाले का जायका आ जाएगा, इसको इसलिए हल्की आंच पे ही भूनना है। और इसमें जो है मैं अभी दही ऐड करूँगी भूनने के बाद, ये देखें मसाला कैसा हो गया, इसमें अब जो है 1 टीस्पून जो है फूड कलर ऑरेंज में इसमें डाला है, इसका कलर खूबसूरत कलर हो जाता है इसमें कढ़ाई मसाले में डालती हूँ मैं। ये मैंने एक प्याली जो है 1 पाव के करीब जो है मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, ये देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अब आखिर में जो है मैं इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करूँगी बिल्कुल आखिर में, जब मैं मसाला मेरा भुन जाएगा, ये 4 से 5 अदद जो है मिर्चें बड़ी कढ़ाई में ऐड कर दी मैंने। ये देखिए अब मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको दम पे चलाना है, इसको मिक्स करना है, और उसके बाद इसको दम पे जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, खूब अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ये देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया, मसाला नीचे है, कढ़ाई में जो है मसाला वैसे ही कम होता है, इसलिए इसको हल्की आंच पे ही करना है ताकि मसाला इसका लगे नहीं पतीले में। अब ये मैं धनिया इसमें डाल के इसको चलाऊंगी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा ही धनिया इसमें ऐड करना है अभी भूनते हुए। मैं इसमें जो है सर्व करूंगी तो मैं इसमें अदरक जो है काट के इसको लंबी लंबी अदरक जैसे हलीम के साथ खाते हैं इस तरीके से मैं इसमें ऐड करूंगी, आप चाहें तो नहीं ऐड करें, बहुत से लोगों को कच्ची जो है अदरक अच्छी नहीं लगती। ये देखिए मैंने इसमें डाली है
आप रेसिपी मेरी ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए। मसाला कितना अच्छा बना है इसका। अल्लाह हाफिज़।